sharing profit in the ratio of 5:3. A gives 1/20 of his share, whereas B gives 1/24 of his share in favor of C. Calculate new profit sharing ratio. हमारे पास क्या दे रखा है कि A और B एक partner, दो partners हैं firm में 5:3 जिनका profit sharing ratio है, और ये C को admit करते हैं जिसमें उनको अपने profit में जो कितना देता है, A देता है 1/20 अपना share का, 1/20 देता है C के favor में, और जो B है वो सी के फेवर में 1/24 अपने शेयर का 1/24 हिस्सा देता है C को. तो हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि A का हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था हमारे पास 5:3, तो A का कितना हो जाएगा 5/8. A का हो जाएगा जिसमें वो अपना 1/20 अपने शेयर का 1/20 शेयर देगा वो किसको, सी को. तो 1/20 इसका कैसे निकालेंगे, 5/8 इंटू में 1/20 कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 5/160, फिर इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 1/32. तो ये कितना सेक्रीफाइस करेगा सी के फेवर में, 1/32. और ऐसे ही हमारे बी का है, बी के हमारे पास क्या था, ओल्ड रेशियो थी 3/8, और बी क्या कर रहा है अपने रेशियो का अपने शेयर का 1/24 सी को दे रहा है. तो 3/8 इंटू में 1/24 करेंगे तो ये क्या जाएगा 3/192, और इसको जब हम सिंपल आउट करेंगे कैफे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/64. और ये तो क्या था इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग, जो हमारे पास इनका क्या है सेक्रीफाइस, इन्होंने सी के फेवर में सेक्रीफाइस किया है. ए का आया 1/32 और बी का आया 1/64. अब सी को तो ये दोनों शेयर मिल रहे हैं तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. ए से इसको मिल रहा है 1/32 और बी से कितना मिल रहा है 1/64. तो आप प्लस करेंगे तो नीचे का जो है यहाँ पे है 32 और यहाँ पे 64, तो एलसीएम लेंगे दोनों का तो हमारे पास क्या देगा 64. अब 32 को 64 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और 2 को 1 से इंटू करेंगे तो हमारे पास 2 प्लस में 64 डिवाइडेड बाय 64 इक्वल्स टू 1, और 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, तो 2 प्लस में 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3. तो हमारे पास नीचे का सेम हो गया 64 3/64, ये हमारा क्या हो गया सी का शेयर हो गया. अब हम इन्होंने ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/32, इसको माइनस कर देंगे 5/8 में से 1/32 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 19/32. ये हमारा क्या आ गया ए का शेयर आया 19/32, और बी का कितना आएगा, इसने कितना सेक्रीफाइस किया था 1/64, तो 3/8 माइनस 1/64 करेंगे तो कितना आएगा 23/64. अब यहाँ पे सी का शेयर के नीचे का भी क्या है 64 है, और यहाँ पे बी के में भी 64 है नीचे का, लेकिन यहाँ पे क्या है इसका 32 है, तो हम इसको सेम बनाना है इसलिए हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका नीचे का भी हमारे पास सेम हो जाएगा. तो इसका हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या जाएगा 38:23 और 3. तो ये हमारे क्या हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर्स का.